नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। इस वक्त का ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि पटना सिविल कोर्ट में एक बम फट गया है। अब बम कैसे फट गया है इसकी जानकारी अभी तक बम स्क्वाड आ गए हैं और बता रहे हैं, और आपको बताते चले कि यहाँ पर अभी हम पटना सिविल कोर्ट में ही हैं और बम एक अपराधी लाया गया आया था, उसके साथ ही जो बम भी लेकर आया गया था उसको पेशी करने के लिए जस्ट सप्ताह उसी समय में अचानक फट गया बम। और कैसे बम फट गया, अभी बम स्क्वाड भी आए हैं जांच करने के लिए टीम, वो अभी जांच करेंगे और इसके बाद में पता चलेगा कि आखिर बम कैसे फटा। फिलहाल यहाँ की एक अधिवक्ता पटना अभी सिविल कोर्ट में है, यहाँ के अधिवक्ता क्या बोल रहे हैं उस बात को सुनिए। बम जांच करने के लिए अंदर अभी ले जाया जा रहा है, सिर्फ को इस तरह से बिल्कुल केयरलेसली कोर्ट में लाना, पब्लिक प्लेस में लाना और सेफ नहीं होता नहीं गया, इसका एक मेथड होना चाहिए। आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे टेक्नोलॉजी मैंने हाई हो चुके हैं, उसका अडॉप्ट करना चाहिए, उस मेथड को फॉलो करना चाहिए। क्या लगता है आपको किस तरीके से करना चाहिए? उसका बहुत सारे टेक्निकल आज के समय में टेक्निकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत सारे हैं, उसको उस मेथड से एक्सप्लोसिव हो चाहे कोई भी फायर आर्म्स हो, इस तरह से ओपन प्लेस में नहीं जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। ओपनली लाया गया इसी कारण से घटना? हाँ, इसी तरह जो मैंने ओपनली लाया हम नहीं जानते हैं, देखें हम देखे हैं जस्ट दी एक्सप्लोजन और ये बम ब्लास्ट है टेकन प्लेस इन परमिशन, तो दिस इज नॉट सेफ। सर, एक चीज जानकारी दीजिए कि अभियोजक शाखा में जो बम लाया गया था, जो जब्त बम होता है किसी मामले को लेके, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? पहले भी इस तरह के जो जब्त बम है जो प्रक्रिया रहती है वो आती है क्या इस तरह से कोर्ट में बुलाया जाता है? कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, कहीं लापरवाही तो कह सकते हैं क्योंकि लापरवाही कही जा सकती है। ये सही तरीका नहीं है कि इस तरह किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को कोर्ट में इस तरह लाया जाए, ये पब्लिक प्लेस है, कभी भी कुछ हो सकती है। और हम तो समझते हैं कि जो आज का बदलते परिपेक्ष है उसके अनुसार इसका मेथड चेंज हो जाना चाहिए, चाहे जो भी हो। ठीक है, किनके आदेश से ये आया था? अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हमने देखा है कि बदलाव की जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे आज के समय में बदलते परिप्रेक्ष्य में साइंटिफिक बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, तो इस तरह ओल्ड मेथड को क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है? कोई घायल नहीं हुए क्या? कुछ सुन रहे हैं कि कोई लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोग सिपाही हैं या कुछ वहाँ इंजर्ड हुए हैं। सर, एक चीज जानकारी दीजिए, जब इस तरह का मामला सामने आता है, किसी तरह के केस दर्ज होते हैं, जब प्रक्रिया चलती है, सुनवाई होती है, तो इस तरह का बम से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला रहता है तो हमेशा लाया जाता है क्या कोर्ट परिसर में? ना, ये तो है कि जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको जुडिशियल नोटिस में लाने के लिए उसको एग्जिबिट कराया जाता है, उसको दिखाया जाता है, मगर मेरे समझ से ये सेफ मेथड नहीं था। ठीक है, घटना हुई है सर, एक घटना घटी है यहाँ पे हमारे पीपी लोक अभियोजक अभियोजन कार्यालय है, उसी कार्यालय के रूम में घटी है। किसी सुनवाई के दौरान ये पूरी घटना? नहीं, वो लाया गया होगा, सब चांस को लाया गया होगा, तो उसको दिखाया जा रहा होगा, उसी क्रम में ऐसे एक्सप्लोजन हुआ है। जज साहब भी मौजूद थे क्या? नहीं, वहाँ कैसे रहेंगे वो? जज साहब तो कोर्ट में रहेंगे ना, उसको अब कोर्ट में ले जाए। ठीक है, आप देखे हैं जाके? हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ उसका सब चांस बिखरा हुआ है, तो वहाँ लोग उसको बंद कर रहे थे कि पब्लिक उसको एंट्री नहीं किया जाए। बम स्क्वाड की टीम भी अभी आई है, ये नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिन्हा, कितने बजे हुई है सर? पटना हाई कोर्ट। हमको लग रहा है कि ये 1:30 बजे के आसपास का घटना। हमेशा देखा जाता है सिविल कोर्ट में इस तरह का लापरवाही का मामला सामने आता है।